राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण दर को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसको देखते हुए दिल्ली में वैक्सीनेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के बुद्धविहार इलाके में स्थानीय RW द्वारा भी कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप के दौरान प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा निशुल्क लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई। RW द्वारा इस कैंप के माध्यम से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया गया। बुद्धविहार विकास समिति के अध्यक्ष विकास गोयल ने बताया कि जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ही बुद्धविहार विकास समिति द्वारा जगह जगह कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोगों को घर के नजदीक ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके और जल्द से जल्द पूरे बुद्धविहार के निवासियों को वैक्सीनेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में इकलौता हथियार है वैक्सीनेशन और इसी मकसद से यह कैंप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने भी RW के इस कदम की जमकर सराहना की। देखिए सर, कोरोना महामारी ने हमारे अपनों को हमसे बिछड़वा दिया है और काफ़ी अपने परिजन हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। बुद्धविहार विकास समिति द्वारा जब से वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हुई है, अपने बुद्धविहार के साथियों के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक ही सपना है, स्वस्थ हो बुद्धविहार अपना। उसी कड़ी में बुद्धविहार विकास समिति द्वारा तब 18+ के स्लॉट ओपन हुए थे, तब से लेकर स्लॉट की प्रक्रिया चलने तक बुद्धविहार विकास समिति द्वारा दिन रात जागकर 1800 लोगों को स्लॉट अवेलेबल कराए गए। उसी कड़ी में अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्रवासियों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अलग अलग लोकेशन पर वैक्सीनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ। बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित किया गया है जिसमें किसी भी आने वाले को कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है और ना ही कोई वेटिंग है। जो भी आ रहा है उसको हाथ के हाथ वैक्सीन लगाई जा रही है और साथ में उनको 10 मिनट बैठ के फ्रूटी वगैरह भी वितरित की जा रही है ताकि वो आराम महसूस कर सकें, उसके बाद अपने घर जाएं। और ऐसे ही ये बुद्धविहार विकास समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, खास करके जो इनके संस्थापक हैं विकास गोयल जी, उनकी भावना और इस उम्र में जो लोगों के प्रति लगाव है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का नया वेरियंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में अब नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली में इस वायरस से निपटने के लिए अब RW के पदाधिकारी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपील की जा रही है ताकि सभी मिलकर इस वायरस से डटकर एकजुट होकर मुकाबला कर सके। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।